सब्सक्राइब करिए नेक्सोन टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7S के बारे में, जो Realme 3 Pro किलर हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं मैं और आप देख रहे हैं नेक्सोन टेक, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें Redmi Note 7S की सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले होने वाली है उसकी AMOLED 6.5 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले। अब AMOLED होने वाली है इस बजट फोन के अंदर तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। बेजललेस डिस्प्ले आने के चांसेस हैं, लेकिन नॉच डिस्प्ले आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग यही है कि इसमें नॉच डिस्प्ले आएगी। और जो इसकी स्क्रीन के आपको व्यू एंगल्स होने वाले हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें AMOLED मिलने वाली है आपको। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलेगा 730 स्नैपड्रैगन। जी हाँ, काफी अच्छा प्रोसेसर है 730 स्नैपड्रैगन। उसमें आपको 8/6/1 GB मिलता है। आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिड सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। आप मीडियम सेटिंग्स पे पबजी या फिर कोई और गेम भी काफी स्मूथली खेल सकते हैं बिना किसी लैग के। बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो आपको कैमरा मिलने वाला है 48+5 MP का, वही IMX586 सेंसर। आपने देखा ही है Redmi Note 7 Pro में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी इस कैमरे की, काफी ज्यादा डिटेलिंग थी। आपको 48 MP के शॉट्स काफी ज्यादा अच्छे मिले थे। नाइट परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी थी इस फोन के कैमरे की। तो अब इसकी बात करूं वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपने नोट 7 प्रो में देखी हुई है। EIS स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा अच्छी दी थी नोट 7 प्रो में भी, तो इसमें भी शायद आपको EIS काफी ज्यादा अच्छी हद तक मिली। नोट 7 प्रो में सिर्फ एक दिक्कत थी, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप बाहर आउटलाइट कंडीशन में कर रहे थे तो दिक्कत ही हो रही थी कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोन ज्यादा हीट हो रहा था और वीडियो जो थी वो काफी ज्यादा लैगी बन रही थी हीटिंग की वजह, इश्यू की वजह से। शायद इसमें Redmi जो है वो इश्यू सॉल्व कर ले और काफी ज्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग आए। और सेल्फी कैमरा इस फोन में होने वाला 32 MP का, जो कि आपको Redmi Y3 में भी मिल चुका है। काफी ज्यादा अच्छी फोटोज आ रही थी, आपने उसमें भी देखा था डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, फोटोज में क्रिस्प काफी अच्छा था, कलर्स भी काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे फोटोज के अंदर, और नाइट शॉट्स तो काफी ज्यादा अच्छे आ ही रहे थे, क्योंकि 32 MP का आपको कैमरा मिलता है f/1.8 अपर्चर के साथ, तो नाइट शॉट्स भी काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे, डे शॉट्स भी काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे, तो काफी अच्छा था सेल्फी कैमरा उसका भी। और बात करें इसमें आपको शायद वीडियो रिकॉर्डिंग में EIS मिले, आपको Redmi Y3 में भी मिली थी EIS फ्रंट में, तो इसमें भी आपको मिल सकती है और काफी अच्छी बात होगी इस रेंज में आपको EIS मिलेगी। अब बात करें इस फोन की बैटरी की, तो बैटरी होने वाली है इस फोन में 4500 mAh की, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। आपको सब चीज अच्छी मिल रही है इस फोन में, तो शायद आपकी बार Redmi कम बैक करना चाह रहा है, Realme को ओवरकम करना चाह रहा है अपनी काफी अच्छी स्पेक्स के साथ, और फोन भी काफी ज्यादा अच्छा होगा ही। बात करें इस फोन की लुक्स की, तो आपको फोन में पीछे की साइड ग्लास बैक देखने को मिलेगी, फ्रंट में भी आपको ग्लास है ही, आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिली रही है, ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm जैक और आयर ब्लास्टर देखने को मिलेगा, लेफ्ट में आपको वॉल्यूम की बटन मिलेंगे और राइट में आपको पावर बटन मिलेगा, नीचे की तरफ आपको सी टाइप पोर्ट और स्पीकर आउटपुट मिलेगा। लुक्स तो काफी ज्यादा अच्छी होंगी, डबल ग्रेडेड डिजाइन मिलेगा आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक के साथ, और आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाली है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ये तो। और बात करें इस फोन की चार्जिंग की, तो चार्जिंग आपको 730 स्नैपड्रैगन मिल रहा है, जबकि चार्जिंग 4.0+ इसमें सपोर्टेबल होगा। शायद MIF की बार रियलमी और कंपनीज की तरफ से देख के इनबॉक्स चार्जर दे दे, क्योंकि ये कमी थी रेडमी के फोन की। बात कर लेते हैं स्पीकर्स के आउटपुट की, तो आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर्स ही मिल रहे हैं, स्टीरियो स्पीकर्स की कोई उम्मीद नहीं है फोन में, तो आपको वही आउटपुट मिलेगा जो आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिला था। और बात करें इस फोन के वेरिएंट्स की, तो आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 332, 464 और 6128 देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा अच्छे वेरिएंट्स हैं। अगर इनकी बात करें प्राइस रेंज की, तो आपको 332 वाला वेरिएंट जो है वो 12,000 का मिलेगा, और 464 वाला जो वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 14,000 का, और 628 वाला जिसमें आपको UFS 3.0 मिलने के चांसेस है। आपको UFS 3.0 का कंपैरिजन बताऊं थोड़ा सा EMMC के बारे में, तो जो UFS 3.0 है वो काफी ज्यादा फास्ट स्टोरेज है, आपकी जो रीड मेमोरी है और राइट स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है EMMC से UFS 3.0 में, तो आपको थोड़ा सा मेमोरी का स्पीड का फर्क दिख जाएगा अगर आप जैसे फाइल ट्रांसफरिंग करते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल, या फिर आप ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम देखते हैं तो उसमें थोड़ा फर्क दिख जाता है। तो और 628 वाला जो वेरिएंट है आपको वो मिलेगा आपको अराउंड 16,000 के, तो प्राइस रेंज तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है अकॉर्डिंग टू स्पेक्स। उम्मीद करते हैं बाकी जब
फोन आ जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा और हमको भी पता चल जाएगा कि क्या प्राइस है और क्या स्पेक्स है फोन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे नेक्स्ट जोन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहे।